बच्चों, आपको और मूलभूत सिद्धांत में बहुत सारी बातें बताई हैं कि किसी सहखंडज का सारणिक में का जो सूत्र है वो सारणिक ए की घात एन माइनस वन होता है। इस सिद्धांत पर क्वेश्चन नंबर 7 प्रस्तुत है बच्चों। उस सिद्धांत को ही इस प्रश्न में सिद्ध करने पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 7 प्रस्तुत है, सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए, दो लाइन के बीच में ए डी जे ए लिखा है, बराबर डिटरमिनेंट ए की घात एन माइनस वन, जहां ए एन ऑर्डर का कोटि का वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 मैं करने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब तक हम फार्मूले को डायरेक्ट याद करते थे। एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, वो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन है। ये सत्य भी है और डिटरमिनेंट ए जो है वो जीरो नहीं है और साथ ही साथ ए एन कोटि का ऑर्डर का वर्गायु है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गायु है। ये फार्मूला हमें प्रूफ करना है। हम अभी तक फार्मूले, जैसे अभी इसके पहले आपने देखा एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए टू आई, इसके बाद आपने देखा एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, जो एक क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया। ये फार्मूला है कि एडज्वाइंट का यदि हम डिटरमिनेंट निकालें तो वो डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन होता है। वो किसी क्वेश्चन में आप पूछा जाए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कभी हम जो सूत्र सीधे बताते जा रहे हैं क्यों ना हम उन सूत्रों को बीच बीच में प्रूफ भी करते जाए। उसके आधार पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 बनाया है। तो बच्चों, ध्यान देंगे कि हम इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। आपको मैंने ये बताया था, हम जानते हैं, लिख सकते हैं आप परीक्षा में, मान लो ये प्रूफ पूछता है, हम जानते हैं कि के कांस्टेंट है, ए एक मैट्रिक्स है, यदि उसका मैं सारणिक लूँ और ये एन ऑर्डर का है तो के रेस टू एन इंटू डिटरमिनेंट ए होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए और ये बहुत आसान सा है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताने की कोशिश भी करूँगा कि ये एन ऑर्डर का है, एन कोटि का है और डिटरमिनेंट भी एन कोटि का होगा, तो कांस्टेंट की पावर के रेस टू एन हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि हमें ये प्रूफ करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ। यदि मैं के स्थान पर, कांस्टेंट होता है के स्थान पर यदि मैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए रिप्लेस कर दूँ और ए के स्थान पर, यहाँ ए के स्थान पर मैं एडज्वाइंट ऑफ ए रिप्लेस कर दूँ, प्रतिस्थापित कर दूँ, तो एग्ज़ाम में आप क्या लिखेंगे, के स्थान पर वन अपॉन ए डिटरमिनेंट ए तथा ए के स्थान पर एडज्वाइंट ऑफ ए रिप्लेस प्रतिस्थापित, हिंदी में कहेंगे इसको, करने पर। ये सर आपके कैसे दिमाग में आया, आपके
आपको प्रश्न लग रहा होगा कि कैसे सर, ये कैसे सोचा आपने। हमेशा ध्यान रखिए कि सारणिक की वैल्यू कांस्टेंट होती है, या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, लेकिन नियतांक हो तो के स्थान पर हम 1/डिटरमिनेंट ए रिप्लेस कर रहे हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए यानी किसी मैट्रिक्स का सहखंडज एडजॉइंट, वो भी एक मैट्रिक्स होता है। तो ए के स्थान पर है हम नया एडजॉइंट मैट्रिक्स के जगह मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, इसके जगह एडजॉइंट ऑफ ए भी एन ऑर्डर का ही होगा, वो रिप्लेस कर सकते हैं। ये सोच है इस प्रूफ को लाने के लिए, क्योंकि हमें प्रूफ एक लाना है, हमें प्रूफ करना है डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए एन माइनस वन। तो बच्चों आप करके देखें, हम के स्थान पर, यहाँ के स्थान पर 1/डिटरमिनेंट ए लिख दें, और इस वाले डबल टिक मैंने किया है, ए के स्थान पर मैंने कहा है एडजॉइंट ऑफ ए हम रिप्लेस करेंगे। तो राइट साइड में भी के है, तो 1/डिटरमिनेंट ए की पावर एन होगी, और ये डिटरमिनेंट ए के स्थान पर एडजॉइंट ऑफ ए हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम प्रूफ के तरफ पहुंच रहे हैं, हमको प्रूफ मिलने जा रहा है। आपको ये मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 1 का पावर n रहने से 1 ही आएगा, और ये डिटरमिनेंट की पावर n हो जाएगा, और ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मिल रहा है, जो राइट साइड को हमें दिखा रहा है। अब आपको ये मालूम है कि ए इनवर्स की जो डेफिनेशन है, किसी वर्ग आयु का जो प्रतिलोम है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। तो हम इसके स्थान पर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए के स्थान पर ए का इनवर्स प्रतिलोम लिख सकते हैं, और आपको ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए का पावर एन हमें मिल रहा है। अब बच्चों आप थोड़ा ध्यान दें कि ये हमें परेशान कर रहा है। तो ए इंटू डिटरमिनेंट ए इंटू इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू होती है आई। यदि मैं इसका डिटरमिनेंट लूँ दोनों पक्षों में, तो ए का डिटरमिनेंट और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट होगा। ये कैसे, क्योंकि ए बी का डिटरमिनेंट अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ए मिल गया हमको, डिटरमिनेंट ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, और डिटरमिनेंट आई वर्ग आयु का सारणिक की वैल्यू 1 होती है, सारणिक एक नियतांक है। तो डिटरमिनेंट ए की जो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, 1/डिटरमिनेंट ए। इसको हम समीकरण नंबर इसको हम 3 कह दें और इसको हम 4 कह दें। तो 3-4 से स्पष्ट है बच्चों कि इसके स्थान पर ए इनवर्स डिटरमिनेंट के स्थान पर 1/डिटरमिनेंट ए हम लिखेंगे इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अपॉन डिटरमिनेंट ए की पावर एन। अब इस कैलकुलेशन को हम तिरेक गुणा कर दें तो डिटरमिनेंट ए की पावर एन अपॉन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए हमें प्रूफ होते हुए स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसमें एक पावर है, एक पावर इसमें से घटा देंगे तो डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए हमें प्रूफ मिल गया है, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि मैंने ये कैलकुलेशन किया, और यहाँ पर भी स्पष्ट है कि आपको ध्यान रखना है कि ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी भी होता है, इसलिए मैं इन दोनों को अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकता हूँ। और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/डिटरमिनेंट ए मिल रहा है, और जिससे आपको ये प्रूफ मिल गया है। ये हालांकि
इक्वेशन नंबर का राइट साइड में आ गया है, लेकिन समीकरण नंबर एक से एग्जैक्टली ये मिल रहा है, तो हम हैंस प्रूव्ड हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 8 प्रस्तुत है बच्चों, यदि ए एक 3 कोटि ऑर्डर का वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार है कि ए इंटू इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10i, तब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हम आपको ये एक महत्वपूर्ण तथ्य में पहले बता चुके हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए का ए के सहखंड से गुणा करें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। इस तथ्य पर, इस मूलभूत कंसेप्ट पर एक आधारित सवाल क्वेश्चन नंबर हम 8 आपके सामने रख रहे हैं। आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको ए एक मैट्रिक्स दिया है, वो 3 ऑर्डर का है, 3 कोटि का है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में एक और बात दी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10i। ये महत्वपूर्ण बात गिवन है। एक तो 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये एक गिवन है, दूसरा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10i गिवन है, दिया हुआ है। और आपको क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ए के सहखंडज का सारणिक हमें पूछ रहा है। तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन में गिवन पर हम विशेष ध्यान देते हैं, तो आपको मालूम है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन है 10i, और आपको मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको बताया है कि इसको विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, और वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो सवाल ये उठता कि इसके जगह पर हम डिटरमिनेंट ए इंटू आई हम लिख सकते हैं, और इक्वल क्वेश्चन में दिया है 10i। यदि इस लॉजिक पर हम ध्यान दें, इस स्टेप पर ध्यान दें कि इसके दोनों पक्षों में आई के गुणांक जो कांस्टेंट है, गुणांक की तुलना करने पर, ऐसा नहीं कि आप आई और आई काट दें, या तो फिर आई इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, लेकिन आई इनवर्स इंटू आई आखिर आई ही होगा, तो बेहतर है कि हम आई जो एक यूनिट मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो हमें 10 मिल रही है, और ए जो है वो 3 कोटि का, बार बार आपको ध्यान दिलवा रहा हूँ, 3 कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन में खास बात दी गई है। वैसे तो ये जो बात है डिटरमिनेंट ए इंटू आई किसी भी एन ऑर्डर के कोटि के लिए है, और जो आपको पूछा जा रहा है वो है रिक्वायरमेंट है, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जा रहा है, और उसका महत्वपूर्ण तथ्य में मैंने आपको बताया है, इसका फॉर्मूला है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान होता है एन की घात, डिटरमिनेंट ए की घात एन माइनस वन। और यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि जहां ए जो है एन कोटि का, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आयु है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, बच्चों ध्यान रखेंगे। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 से हमने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू प्राप्त की, ये समीकरण नंबर इसको 2 कह दें, और यहां पर आपको ए कह रहा है
कि एन बराबर तीन कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सवाल ही उठता कि एन इज इक्वल टू तीन रखेंगे हम, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू मिलेगी वो डिटरमिनेंट ए की पावर एन के जगह यहाँ तीन है तो तीन माइनस वन, वो बाजू में फिर से लिख दीजिए एन बराबर तीन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये एग्जाम में लिख दें जब आप सॉल्व कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में फास्ट कैलकुलेशन करें। और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अब हमें को मिल गया है, और वो समीकरण नंबर इसको मैंने दो कहा है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 10 है और तीन में से एक गया दो, तो टेन स्क्वायर कितना होता है 100। तो जो रिक्वायरमेंट था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात करो, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान हमें मिल रहा है 100। तो बच्चों आपने देखा कि किस टेक्निक से एक दो फार्मूले का उपयोग करके हमने कार्यवाही की। फार्मूला नंबर 1 जो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण फार्मूला हम कहेंगे F2 वो है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन होता है। जब कब होता है, जब एन ए जो है एन कोटि का ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और एन के जगह तीन हमने रखा, हमें डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर मिल गया। ये देखिए डिटरमिनेंट ए का तीन में से एक गया दो घात हो गई, तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हुआ। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पहले ही हम समीकरण नंबर 2 से निकाल चुके हैं, 10 का स्क्वायर 10 × 10 = 100। तो इस तरह से बच्चों इसका कैलकुलेशन करेंगे, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और फिर मूलभूत सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है बच्चों, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2×2 कोटि ऑर्डर के वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस प्रकार है कि ए इंटू इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 8008, तो डिटरमिनेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसी कंसेप्ट पर हम आगे आपको हम तैयार कर रहे हैं ताकि आप बोर्ड की भी तैयारी ठीक से कर सकें, और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपके साथ साथ होते रहे। यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप विशेष करके ध्यान दें, आपको एक मैट्रिक्स है जो 2×2 कोटि का ऑर्डर का हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू वो है 8008, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, अब इसके पहले सवाल में आपने डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली, अब आपको डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको पूछ रहा है। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें जो क्वेश्चन में दिया है, और इसी को लेके हम जो गिवन है उसी को लेकर हम सोचते हैं और सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमें गिवन है एक मैट्रिक्स है दो ऑर्डर का जी जो 80 रो में है और 08 इस प्रकार से दिया है, और अभी अभी मैंने इसके पहले सवाल में भी इस्तेमाल किया है। महत्वपूर्ण तथ्य है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो बच्चों सवाल ही उठता कि इसके जगह पर हम इस सूत्र का इस्तेमाल करें, तो हम इसके जगह डिटरमिनेंट ए इंटू आई लिख दें, और यहाँ आपको 8 सारे एलिमेंट में मैट्रिक्स के सभी अवयवों में 8
कॉमन दिख रहा है, जीरो में तो आठ कॉमन रहेगा, तो ये 1001 मिला। और सवाल ही नहीं उठता कि ये डिटरमिनेंट ए है इनटू आई है, ये आठ है और ये भी आई आई है। एक्चुअल में बच्चों ये दो ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स है। दो ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स इस प्रकार से होता है, उसका जनरल कोड आई भी हम कह सकते हैं। यहाँ दो कोटि का है तो दो कोटि का यूनिट मैट्रिक्स होगा। मान लो सवाल तीन ऑर्डर का होता तो आई थ्री जो यूनिट मैट्रिक्स होता और उसका वैल्यू इस प्रकार से हम इसका जो मुख्य विकर्ण के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक होंगे, यानी इसको भी हम आई कहते हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ यदि हम इक्वेट करने की बात करें और यहाँ से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों की यदि हम तुलना करते हैं, आई का गुणांक 8 है जो कांस्टेंट है और डिटरमिनेंट भी कांस्टेंट राशि होती है, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, डिटरमिनेंट एक कांस्टेंट राशि है तो डिटरमिनेंट ए की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है 8। यही इसका आंसर है। ये केस वन बच्चों, आप माने कि केस वन के जरिए मेरी सोच में इस प्रकार से यदि एग्जाम हॉल में आया तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 8। यदि मैं इस ढंग से सोचता, केस टू पर आप ध्यान दें, फिर आप सोचने के लिए बाध्य होंगे और गणित सोचने का विषय है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है वो है 8008। यदि मैं इसके दोनों पक्षों का डिटरमिनेंट ले लूं, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कोई एक नया मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लाई का मैं डिटरमिनेंट लूं और इसका डिटरमिनेंट लूं 8008 का, तो आप हिंदी का चार बना के हल करते हैं, 8 64, 8 × 8 माइनस 0 यानी 64 ऋण 0। यानी कुल मिला के आपको ये भी पता है कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए होगा और वो हमें कितना मिल रहा है 64। ये जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मैं अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख दिया, ये किस लॉजिक से लिखा, किस तर्क से लिखा, आपको मालूम हुआ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट अलग अलग डिटरमिनेंट के बराबर होता है। इसको आप चेक कर लेंगे किसी एग्जांपल के जरिए। दो ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लीजिएगा अलग अलग, उनका ए इंटू बी निकालेगा, उसका फिर सारणिक आप बना लेंगे, डिटरमिनेंट मतलब सारणिक। ये डिटरमिनेंट है, सारणिक ए है और इसका रिजल्ट आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन होता है इज इक्वल टू 64। एन मैं जानबूझ से कह रहा हूँ क्योंकि आपको अभी अभी मैंने एक महत्वपूर्ण तथ्यों में नोट करने कहा, आप स्टार भी लगा लीजिए उसमें, वो है डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। जब एन जो है डिटरमिनेंट ए, जो ए मैट्रिक्स है वो एन कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो यहाँ n इज इक्वल टू 2 है क्योंकि a यहाँ दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो n के जगह हम 2 रखेंगे तो डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट a की पावर n के जगह 2 2 ऋण 1 रखते हैं तो हमें 64 मिलता है। यानी कुल मिला के डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 64 मिलता है। ये दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की जा रही है और आप ध्यान दीजिए कि रिजल्ट में क्या अंतर आता है। तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मिल रहा है हमें और डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर यदि 64 है और दोनों पक्षों का हम रूट ले लें तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 64 होगा और 64 का वर्गमूल हमें पता है 8 है। बच्चों डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर
जो है इज इक्वल टू 64 है, आप देख रहे हैं ये 64 हम लिख रहे हैं, और डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर स्क्वायर का रूट डिटरमिनेंट ए होगा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 64 होगा, और 64 का रूट मालूम है 8, प्लस माइनस 8। तो दूसरे केस में हमें डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 8 मिल रही है, जबकि पहले केस में हमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 8 मिल रही है। अब आप खुद विचार करिए कि प्लस माइनस 8 सही है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 8 सही है। तो बच्चों मैं यहाँ ये कहूँगा कि यहाँ पर डिटरमिनेंट जो है, आप ये मत सोचे कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, जैसे माइनस 2 का डिटरमिनेंट हम लें या माइनस 8 का डिटरमिनेंट लें तो 8 आएगा, ऐसा आप ना सोचें। डिटरमिनेंट प्लस भी हो सकता है तो माइनस होगा, तो 100% सत्यता की जहाँ तक बात है तो वो प्लस माइनस 8 सही उत्तर होगा इसका, यदि ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहा होगा। बोर्ड एग्जाम में आपका इस प्रकार का कैलकुलेशन चल जाएगा। तो इस सवाल को मैंने दो तरीके से बनाया है, जिसको हमने केस 1 और केस 2 के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है, और सोचने के लिए बाध्य किया है कि डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है एक्चुअली क्या होना चाहिए, प्लस 8 होना चाहिए कि प्लस माइनस 8 होना चाहिए। तो मेरे विचार से आप रिजल्ट को नोट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, प्लस माइनस 8, तो सही उत्तर प्लस माइनस 8 है बच्चों।